संभल में हुई हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई और इस मामले में नेताओं द्वारा राजनीतिक रोटी भी सेकी जा रही है। इसी बीच पुलिस इस मामले की लगातार जांच कर रही है और इस कड़ी में अब तक पुलिस ने 74 आरोपियों की पहचान कर ली है, जिनकी तस्वीरों को भी जारी कर दिया गया है। वहीं अब तक 27 आरोपियों की गिरफ्तारी जो है पुलिस द्वारा की गई है। हालांकि जिन 74 आरोपियों की पहचान की गई है वे अब भी फरार है, जिनकी तलाश लगातार जारी है और इन फरार दंगाइयों की तस्वीरों को यूपी पुलिस द्वारा जारी कर दिया गया है। लगातार चप्पे चप्पे पर इनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने जिन आरोपियों की पहचान की है उनकी तलाशी के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी भी कर रही है। बता दें कि संभल में हुई हिंसा के दौरान कई वीडियो भी सामने आए। बता दें कि पुलिस फिलहाल इस मामले में अलग अलग एंगल से मामले की जाँच कर रही है। पुलिस जब्त मोबाइल के डाटा को खंगाल रही है, उपलब्ध डाटा और डम डेटा को भी रिकवर किया जा रहा है ताकि पता चल सके कि दंगा क्या पहले से सुयोजित थी, क्या इसे किसी ने प्लान किया था। वहीं पुलिस मोबाइल नेटवर्क डेटा, सोशल मीडिया, सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन फुटेज इत्यादि की जानकारी लगातार जुटाने का प्रयास कर रही है। बता दें कि संभल में कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस की मौजूदगी में मुगलों के समय की मस्जिद का सर्वेक्षण हो रहा था और इस दौरान कई लोग सर्वेक्षण का विरोध करने आ गए और पुलिस कर्मियों के साथ उनकी झड़प हो गई। इस झड़प में 4 लोगों की जान चली गई, करीबन 20 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी सहित अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और इस घटना के बाद से यूपी की सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई है। संभल हिंसा की गूंज आज लोकसभा में भी सुनने मिली और इस मामले को लेकर विपक्षी दलों द्वारा लगातार केंद्र सरकार और राज्य की योगी सरकार पर जो है निशाना साधा जा रहा है।